विद्या भारती ई शिक्षण कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1 भाग 2 प्रकरण पूर्णांकों को संख्या रेखा पर अंकित करना। संख्या रेखा वह रेखा जिस पर धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक अंकित किए जा सकते हैं। जैसे संख्या रेखा के मध्य में शून्य अंकित होता है, संख्या रेखा के दाईं तरफ धनात्मक अंक 1, 2, 3, 4 इनको अनंत तक ले जाया जा सकता है। संख्या रेखा के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4 और इनको आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। संख्या रेखा के मध्य शून्य का अंक होता है, संख्या रेखा के दाईं तरफ धनात्मक अंक व संख्या रेखा के बाईं तरफ ऋणात्मक अंक अंकित किए जाते हैं। पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव गुणधर्म, योग के लिए संवृत गुणधर्म, जैसे 4 + 5 = 9 या -8 + 6 = -2 या -4 + (-5) = -9 या -3 + 6 = 3 अर्थात सभी स्थितियों में सभी पूर्णांकों का योगफल भी पूर्णांक ही आता है, अथवा सभी पूर्णांक और सभी पूर्ण संख्या योग में संवृत हैं। घटाव में संवृत गुणधर्म, जैसे 7 - 5 = 2 या 4 - 9 = -5 या -4 - -5 (-5) = -5 (1) अर्थात सभी स्थितियों में सभी पूर्णांकों को घटाने पर उत्तर भी पूर्णांक ही आता है, अथवा सभी पूर्णांक घटाव में संवृत हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए संवृत नहीं हैं। योग में क्रम विन्मय गुणधर्म का पालन होता है, क्योंकि योग में पूर्णांकों व पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे 2 + 5 = 7 या 5 + 2 = 7 -8 + (-4) = -12 -4 + (-8) = -12 अर्थात योग में क्रम विन्मय गुण धर्म का पालन होता है। घटाव में क्रम विन्मय गुण धर्म का पालन नहीं होता, क्योंकि घटाव में पूर्णांकों व पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने से परिवर्तन आता है। जैसे -6 - (+4) = -10 या +4 - (-6) = -10 अर्थात घटाव में क्रम विन्मय गुणधर्म का पालन नहीं होता। सहचर्य गुणधर्म, पूर्णांकों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है, जैसे (-4) - (-3) + (-2) = -9 या -4 + (-3) = -2 - -9 अर्थात पहले -4 व -3 को जोड़कर फिर -2 को जोड़ा, बाद में -3 व -2 को जोड़कर -4 को जोड़ा, दोनों का परिणाम एक समान -9 प्राप्त हुआ, अर्थात योग में सहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। योज्य तत्समक, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक शून्य है, जैसे 7 + 0 = 7 या -4 + 0 = -4 जब किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक योग के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक है। गृह कार्य, निम्न को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। सवाल नंबर 1, 4, -2, (-5), -3, (7), -5। सवाल नंबर 2, 11, -9,
कोमा 12 कोमा माइनस 8 कोमा 13 कोमा माइनस 7। ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस 7 हो, अंतर 4 हो, योग 0 हो, अंतर माइनस 2 हो। उपयुक्त चिन्ह लगाइए। माइनस सवाल नंबर एक, माइनस 14 प्लस 11 प्लस 5 खाली स्थान 14 माइनस 11 माइनस 5। सवाल नंबर दो, 6 प्लस 7 माइनस 13 खाली स्थान 6 प्लस 7 प्लस छोटा कोष्टक माइनस 13 छोटा कोष्टक बंद। सवाल नंबर तीन, 7 प्लस 11 प्लस छोटा कोष्टक माइनस 5 छोटा कोष्टक बंद खाली स्थान छोटा कोष्टक माइनस 7 छोटा कोष्टक बंद माइनस 11 प्लस 5। सवाल नंबर चार, 30 प्लस छोटा कोष्टक माइनस 5 छोटा कोष्टक बंद प्लस छोटा कोष्टक माइनस 8 छोटा कोष्टक बंद खाली स्थान छोटा कोष्टक माइनस 5 छोटा कोष्टक बंद प्लस छोटा कोष्टक माइनस 8 छोटा कोष्टक बंद प्लस 30।